quello che ti dico. Papà! Rodri? जय श्री कृष्णा। देखिए और मेरे बच्चे जिद कर रहे थे कि मुझे पिज्जा खाना है, और देखिए मैं यहाँ आई हूँ डिलाइट पिज्जा। ये फ्रेंड जोर शोरों से इंतज़ार हो रहा है कि पिज्जा आ जाए, पिज्जा आ जाए। ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हैं, ये भी बैठे हैं। देखिए फ्रेंड, प्राइस भी इसका अच्छा है और बच्चों के लिए भी ये काफ़ी सही है। जी देखिए गाइस कितना लगाए। इन्होंने तो गरम खा रहे हैं। एक सेकेंड रुकिए आप। सॉफ्ट और सॉफ्ट एकदम क्रीमी और चीज़ भी बहुत बड़ा है इसमें, बहुत अच्छा। इसके आइएगा बरेली में तो डिलाइट पिज़्ज़ा पॉइंट पे ज़रूर आइएगा। आग दूर कर लो, आग दूर कर लो, उड़ रहा है। अम्मी मैं हाँ आग बंद कर लो, आग उधर कर लो, ठीक है। चली गई, चली गई, पता पता था मुझे। दिखाओ इधर ला भाई, कैसा है? लगा लेंगे, पकड़ लेंगे उसे, इससे पकड़ लेंगे। देखो फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि दिन से ज़्यादा लोग रात में चलते हैं। पूरा रोड भरा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना थोड़ा घूम के आना। अभी आप बाइक पे बैठिएगा या कहीं सफ़र पे जाते हैं तो सबसे पहले अपने दुपट्टे, कभी आइएगा आप बरेली तो आप बरेली के इतने सारे। और अभी अभी रास्ते में पड़ेगा एक 84 घंटा मंदिर, मैं आपको वो दिखाऊंगी, वो बहुत फेमस मंदिर है और कभी मौका मिला तो मैं वहाँ जाऊंगी और आप ब्लॉग बनाऊंगी, आप देखिएगा। 84 घंटा मंदिर की बहुत मान्यता है, उसमें बहुत सारे घंटे मान्यता के हिसाब से चढ़े हुए हैं। क्या कह रहे हो? पूरा मंदिर घंटों से भरा हुआ है। हाँ तो उसकी मान्यता है ना, उसको 84 घंटा मंदिर बोलते हैं, वो माता है। आज मेरा मूड बहुत ऑफ था इसलिए मैंने सोचा थोड़ा घूम लिया जाए। देखिए
देखिए फ्रेंड, ये है 84 घंटा मंदिर जिसकी मैं अभी भी बात कर रही थी, और आप देख सकते हैं कितने सारे घंटे यहाँ मान्यता के हिसाब से लोगों ने चढ़ाए हैं, और इसकी बहुत मान्यता है। आप कभी भी आइएगा तो ज़रूर आइएगा इधर रूम में। एक ओवर शॉर्ट है मैरिज हॉल। हेलो फ्रेंड, देखिए हम लोग आए थे पिज़्ज़ा पॉइंट, डिलाइट पिज़्ज़ा पॉइंट, और यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, और आप भी जब भी बरेली आइएगा तो यहाँ का पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिटी चौकला। और इन बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और आप बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। जय श्री कृष्णा।